इटावा जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के कटरा बल सिंह में आग का तांडव देखने को मिला। अज्ञात कारण से लगी आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उपकरण के गोदाम में आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल फायर ब्रिगेड आग से हुए नुकसान का ब्यौरा एकत्रित कर रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि बलसिंह में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की गोदाम है और किसी अज्ञात कारण से धीरे धीरे आग लग गई। जब तक आसपास के लोग समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग भयंकर हो चुकी थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने एक और गाड़ी को बुलाकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना की वजह से लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने की बात भी सामने आई है। हम लोग ऊपर बैठे थे और यहाँ पे नीचे चाचा दुकान पे रहते हैं, तो लॉक था, तो हल्का की धुआं आ रहा था। तो हमारे जो दुकान वाले हैं लड़के, वो सामान रख रहे थे, तो उन्होंने जब देखा है तो उन्होंने लकड़ी वगड़ी सब तोड़ी है, दरवाजा तोड़ा है। अच्छा। ना टूटने के कारण हमने भी चाचा चाची को सबको फोन लगाया है। अच्छा। फिर तब हमने पार्टी में पानी डाल के, इसमें किस चीज का सामान रखा था? ये हमारे चाचा जी का रखा था दुकान का सामान। अच्छा, गोदाम बना था? हाँ, गोदाम था। तो कितना माल नुकसान लग रहा है आपको? 50 लाख तक तो हो गई। फायर ब्रिगेड में समय पे आ गई थी पुलिस? थोड़ी देर में आई है। हाँ। कटरा बल सिंह लड़ैती भवन के पास बस स्टैंड के पास समीप एक इलेक्ट्रिक गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें 16:58 पर सूचना द्वारा CFO महोदय को प्राप्त हुई और गाड़ी रवाना कर दी। जब देखा कि घटना स्थल पर कि आग थोड़ी एक गाड़ी से कंट्रोल न हो पाएगी, तो दूसरी गाड़ी भी यहाँ से रवाना किया, तो आपको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। और क्षति के बारे में बताना चाहूंगा कि आकलन किया जा रहा है कि कितना उनका लगभग है, कल निरीक्षण करके और उसका ब्यौरा उनसे मालिकान साहब से पूछकर और जानकारी करके बताया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।